everyone, welcome back to my channel. I'm Komal and today I'm going to share my everyday makeup routine with you all. So let's get started. तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करती हूँ क्लिनिक का ड्रामेटिकली डिफरेंट मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी सी मात्रा में आपके पूरे चेहरे पे हो जाता है और ज़्यादा चिपचिपा नहीं लगता है आपकी स्किन पे। उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का ड्रीम वन डे परफेक्ट प्राइमर। प्राइमर इसलिए ज़रूरी होता है मेकअप से पहले क्योंकि हमारी स्किन में जो ओपन पोर्स होते हैं उसको ये क्लोज करता है और मेकअप जो है वो अंदर नहीं उतरता है स्किन के, ताकि स्किन जो है वो डैमेज ना हो और मेकअप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारी स्किन पे टिका रहे। मुझे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं तो मैं यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ करूँगी और मैं मैक का प्योर ऑरेंज शेड में कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। हमारी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से हमें प्योर ऑरेंज कलर करेक्टर ही यूज़ करना चाहिए हमारे डार्क सर्कल के लिए और जो हमारी प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसके लिए। अब कलर करेक्टर के ऊपर हम कंसीलर यूज़ करेंगे। कंसीलर में यहाँ पे बॉबी ब्राउन का लाइट टू मीडियम शेड में यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपनी आईलिड पे और अंडर आई एरिया पे अप्लाई करूँगी ताकि हमारी आँखों के आसपास का जो एरिया है वो मिसमैच ना लगे। नाउ आई एम अप्लाइंग फाउंडेशन और यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन 125 न्यूड शेड में। इसके मैं छोटे छोटे डॉट्स अपने चेहरे पे लगा लूँगी, फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको पूरी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और सबसे खास बात, अपने नेक पे फाउंडेशन लगाना बिल्कुल मत भूलना वरना आपके चेहरे और नेक का कलर जो है वो मिसमैच लगेगा। अब फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और इसमें मेरा शेड है 220। एंड नाउ आई एम डूइंग माय आई मेकअप एंड आई एम यूजिंग दिस मेबलिन 24K न्यूड पैलेट और उसमें से मैं ये क्रीम कलर यूज़ करूँगी आई बेस के लिए। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर अप्लाई करूंगी अपनी आउटर कॉर्नर्स पे। नाउ आई एम अप्लाइंग शिमरी डार्क ब्राउन कलर, उसको मैं यूज करूंगी अपनी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक। इन दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं ले रही हूँ रोज गोल्ड कलर। इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड पे अप्लाई करूंगी। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग मेबलिन हाइपरलाइन इम्पैक्ट आईलाइनर। पहले मैं आईलाइनर से विंग्स क्रिएट कर लूंगी, उसके बाद मैं सेंटर से लेके आउटर कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी एंड देन इनर कॉर्नर टू सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक का 07 सनसेट ग्लो शेड में। अब मैं अपनी आई शेडो की पैलेट में से रोज गोल्ड कलर लूंगी एज अ हाइलाइटर और उसको मैं अपने हाइलाइटेड एरिया पे अप्लाई करूंगी। नाउ आई एम अप्लाइंग क्लिनिक चबी लेश फैटनिंग मस्कारा। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसकी सारी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक की इंटोक्सिका A36 शेड में। ये मैट लिपस्टिक है एंड दिस इज द फाइनल लुक।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, और आप ऐसे मेकअप वीडियोस और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।